शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो एनर्जी अपडेट आप लोगों के लिए, फुल मून है आज, तो आज का जो वीडियो रहेगा एनर्जी अपडेट हमारे ट्विन फ्लेम कपल्स के लिए रहने वाला है। कैसा रहने वाला है ये फुल मून, बात करेंगे हम लोग एनर्जेटिकली क्या शिफ्ट्स आ रहे हैं आपके इस फुल मून पर। तो ये जो फुल मून है, स्ट्रॉबेरी सुपर मून भी कहा जाता है इसे, बिकॉज इसका जो कलर है लाइट पिंकिश में आप लोग देख पाओगे। और इसका साइज़ अगर आप नोटिस करते हो तो कैजुअली जो फुल मून्स होते हैं उससे बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ दिखाई देगा आपको आज मून का, बिकॉज बहुत ज़्यादा अर्थ के नज़दीक है। तो ये जो है सुपर मून भी कहते हैं इसे, स्ट्रॉबेरी सुपर मून। और इसके साथ ही अगर बात करें तो ये फुल मून इन सेजिटेरियस है, तो सेजिटेरियस इज़ अ फायर साइन, ठीक है, एक्शन सेजिटेरियस जो साइन है हमारा। तो ये जो फुल मून है बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहने वाला है, बोथ साइड्स फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फेमिनाइंस की, फेमिनाइंस क्या फील कर रही हैं फुल मून के आसपास, हो सकता है पास्ट में एक दो दिन से आपको थोड़ी बहुत पर्जिंग हुई हो, बिकॉज कल जो मॉर्निंग में मुझे एनर्जी रिसीव हो रही थी बहुत ज़रा पर्जिंग वाली, हो सकता है आपको बहुत ज़रा रोना आ रहा हो, कोई ऐसी स्टेगनेंट एनर्जी जो आप बहुत टाइम से रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सडनली आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप वो स्टेगनेंट एनर्जीज को रिलीज़ कर रहे हो और बहुत ज़रा लाइट फील कर रहे हो, बिकॉज कल बहुत ही ज़्यादा बैलेंस थी हमारी बहुत सी फेमिनाइंस, जो बहुत टाइम से इनर वर्क कर रही हैं उन्होंने फील किया होगा कि कल का दिन थोड़ा बैलेंस का था, बेशक मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आपको आपके पार्टनर्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही थी। बहुत से लोगों को सेक्सुअल पुल फील हो रहा होगा कल के दिन मैस्कुलाइन्स की तरफ, उनके पार्टनर्स की तरफ, या फिर बहुत से लोग मिसिंग एनर्जी में थे। बट ओवरऑल जो एनर्जी थी अनकंडीशनल लव की, आप बहुत ज़रा ऑब्सेस्ड नहीं थे, बट डेफिनेटली मिसिंग एनर्जी बहुत ज़रा हाई थी कल से। हो सकता है रात को भी आपको उनके ड्रीम्स आ रहे हों, या कुछ ऐसे ड्रीम्स में आपको साइंस मिल रहे हों, या आपको आपके पर्सन के ड्रीम्स आ रहे हों, बट डेफिनेटली यहाँ पर मिसिंग एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, हाईली मिसिंग एनर्जी है बोथ साइड से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी तरफ से, आपके पार्टनर्स की भी है, वही आप भी पिक करते हो तो आप भी मिस करने लगते हो, बिकॉज फुल मून होता है तो डेफिनेटली मिसिंग एनर्जी थोड़ी रहती है। और इसके साथ ही जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स की मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, कलेक्टिवली डिवाइन मैस्कुलाइन्स जो हैं इस टाइम पर बहुत ज़्यादा उनको ट्रिगर मिल रहे हैं उनके कार्मिक्स से, ठीक है। कार्मिक्स से क्यों ट्रिगर मिल रहे हैं, क्योंकि उनकी जो ईगो है बहुत ज़्यादा हाई है, ऑलमोस्ट जो ईगोइस्टिक थे लोग बहुत ज़्यादा, जिन्होंने अपनी ईगो को बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं किया, उन्हीं लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि उनकी ईगो को शटर करना चाहते हैं यूनिवर्स, इसीलिए उनके कार्मिक्स के थ्रू उनकी ईगो को हर्ट किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहे हैं कुछ ऐसे मैस्कुलाइन्स को जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बिहेव करते हैं। तो हो सकता है आप उनके एनर्जीज पिक कर रहे हों, आपको थोड़ा इमोशनल फील हो सकता है, या आपको ऐसा फील हो सकता है इंट्यूटिवली कि आपके पर्सन परेशान हैं, या उनकी एनर्जी थोड़ी लो है। कुछ फेमिनाइंस इस तरह की एनर्जीज पिक कर रही होंगी अपने मैस्कुलाइन्स की। कुछ लोगों को लोअर चक्रास में बहुत ज़्यादा पेन हो रही होगी, रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा में स्वेलिंग फील हो सकती है कुछ लोगों को, कुछ लोगों को सोलर प्लेक्सिस चक्रा में पेन या डिस्टर्बेंस फील हो सकती है, कुछ लोगों का रूट चक्रा डिस्टर्ब हो सकता है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो या बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही हो, फुल मून का अफेक्ट है तो इस तरह की एनर्जीज आप लोग फील कर पाते हो, ठीक है। सेक्रल चक्रा हीलिंग चल रही है मैस्कुलाइन्स की, तो हो सकता है आपको आपके सेक्रल चक्रा में स्वेलिंग फील हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंडिंग करनी है अपनी। आपको ऑलरेडी बताया है, जब भी कोई हैवी एनर्जी फील हो अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, अपनी बॉडी को लाइट कीजिए, ठीक है। ओवरऑल जो मुझे एनर्जी फील हो रही है जो मैस्कुलाइन है, बेशक साइलेंट है, हो सकता है आप लोग सेपरेशन में हैं या ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है आप लोगों की, लेकिन
प्यार जो है दोनों तरफ इक्वली फील कर रहे हो। इनर बैलेंस में हैं आप भी और आपके मैस्कुलाइंस भी। एक हार्मनी वाली फीलिंग मुझे यहाँ फील हो रही है, ठीक है। दोनों तरफ अनकंडीशनल लव है, कंपैशन है, प्यार है, पर दोनों हो सकता है अभी तक साइलेंट हैं, ज़रा आपसे बातचीत नहीं हो रही। और ये जो साइलेंस है ना, ये बहुत ही ज़रा ब्यूटीफुल साइलेंस है, जिसमें आप चाह के भी कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपनी फीलिंग को। आपकी तरफ बहुत इमोशंस हैं, आपके अंदर उनके लिए बहुत ज़रा इमोशंस हैं, लेकिन फिर भी आप साइलेंस को इसलिए क्योंकि वर्ड्स ही नहीं होते हैं आपके पास उस इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो हो सकता है कुछ लोगों के अंदर इस तरह की साइलेंस आप लोग फील कर रहे हो, या आप खुद ही साइलेंस में रहना चाह रहे हो और आपके पार्टनर भी साइलेंस में हैं। इसके साथ ही कुछ लोगों के पार्टनर्स का थ्रॉट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है इस टाइम पर, तो हो सकता है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हों, लेकिन डेफिनेटली फील ज़रूर कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर्स का थ्रॉट चक्रा डिस्टर्ब है या बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है, तो आपको आपके थ्रॉट में पेन या डिस्टर्बेंस फील हो सकती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत से ट्विन फ्लेम हमारे जो कपल्स हैं, बहुत ही लव वाली एनर्जी, अनकंडीशनल लव में है दोनों, जो लोग बहुत ज़रा बैलेंस्ड हैं। वहीं जो लोग अभी भी ईगो से बिहेव कर रहे हैं या उनके अंदर कुछ ईगो पैटर्न्स रह गए हैं, उनको बहुत ज़रा ट्रिगर मिल रहे हैं। तो दो तरह के हमारे यहाँ पर एनर्जीज़ हैं, एक जो हैं जिन्होंने अपनी ईगो को ऑलरेडी शटर कर दिया है, अपने अंदर के ब्लॉकेजेस पर काम कर लिया है, वो जो है बहुत ज़रा हार्मनी फील कर रहे हैं इस फुल मून पर। लेकिन वहीं जो लोग अभी भी ईगोइस्टिक बिहेव कर रहे थे या कुछ ना कुछ ऐसे ईगो पैटर्न्स उनके अंदर हैं अभी भी जो उनको रिलीज़ करने बाकी हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रिगर मिलने वाले हैं इस फुल मून पर। कुछ लोगों को ऑलरेडी मिल चुका होगा, ठीक है। आपको हो सकता है उनकी एनर्जी पिक हो रही हो आपके पर्सन की। अगर सडनली आपका मूड स्विंग हो रहा है तो इसका मतलब आप अपने पर्सन की एनर्जी पिक कर रहे हो। तो डोंट वरी, आप सिर्फ अपने आप को बैलेंस में रखने की कोशिश करें। उनके ऊपर यूनिवर्स हैं उनका ध्यान रखने के लिए, उन पर काम चल रहा है, आप सिर्फ खुद पर बैलेंस रखें। और इसके साथ ही गाइस, एक ड्रीम भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे रिसीव हुआ है एज अ चैनल मैसेज। एक दो दिन पहले मैंने ड्रीम में देखा था कि एक जो फेमिनिन है बहुत ज़रा खुश है, क्योंकि उसकी लाइफ में अबंडेंस और मैजिक हो रहे हैं, बहुत ज़रा मैजिकल एक्सपीरियंस कर रही है। तो वो बहुत खुश है कि यूनिवर्स उसके लिए इतनी सारी ब्लेसिंग्स सेंड कर रहे हैं। देन सडनली कुछ नेगेटिविटी, जिसे हम डीमंस कह सकते हैं, डीमन अटैक्स होते हैं, बहुत ज़रा उस फेमिनिन को परेशान करने की कोशिश की जाती है। बट उस फेमिनिन का जो फेथ है पूरी तरह से एंजल्स पर है, और वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी नेगेटिविटी आपको परेशान कर ले, लेकिन मेरा फेथ यूनिवर्स पर है और हमेशा रहेगा। तो इस तरह के फेथ अगर आप लोगों के अंदर है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों की ही एनर्जी हो जो ड्रीम के थ्रू मुझे चैनल्ड हुई है। मे बी आप में से बहुत से लोगों के ऊपर नेगेटिव अटैक्स हो रहे हों, या आपको ड्रीम्स आ रहे हों नेगेटिव ड्रीम्स, या बहुत ज़्यादा हॉरर ड्रीम्स आ रहे हों, या अपने अराउंड नेगेटिविटी फील हो रही है, कोई बैड न्यूज़ आप लोग सडनली सुन रहे हो, किसी की डेथ की न्यूज़ हो सकती है, या कुछ भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ अचानक से आपको ऐसा फील हो रहा हो कि आपके अराउंड बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो आपको सिर्फ ये ट्रस्ट रखना है कि यूनिवर्स ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। आप हमेशा एंजल से प्रोटेक्टेड हैं, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी डीमंस आपको परेशान नहीं कर सकता जब तक आप खुद लो वाइब्रेशन में नहीं जाओगे। तो इन केस अगर इस तरह की कुछ लोगों को नेगेटिविटी फील हो रही है, तो अपना फेथ रखिए, एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं, आप हमेशा प्रोटेक्टेड हैं, आप भी, आपके पर्सन भी। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के मैस्कुलाइंस पर डीमंस अटैक या नेगेटिव अटैक हो रहे हों बहुत ज़्यादा, तो आप वो एनर्जी पिक कर रहे हो। तो प्रोटेक्ट कीजिए अपने आप को, प्रोटेक्शन अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, यूनिवर्स से प्रे कीजिए आपके और आपके पर्सन दोनों को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं है, नेगेटिविटी से कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि जीत हमेशा पॉजिटिविटी की होती है। इतना ज़रा स्ट्रांग अपने अंदर फेथ बना लो यूनिवर्स के लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो नेगेटिविटी को हरा कर ही रखेगी, ठीक है।
बहुत से लोग होते हैं जो थोड़ी सी नेगेटिविटी फील होने पर लो वाइब्रेशंस में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका ऑरा वीक होता है। तो हमेशा अपने ऑरा को स्ट्रांग रखें, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव वाइब्स अपने अराउंड रखें, बिल्कुल भी आपको नेगेटिविटी परेशान नहीं करेगी, ठीक है। और फेथ रखें यूनिवर्स पर, आप हमेशा प्रोटेक्टेड हैं। तो इस बार जो फुल मून है बहुत सारी ब्लेसिंग्स ला रहा है, बहुत से लोगों रीयूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बेशक साइलेंस में है लेकिन फिर भी जो एनर्जी है बहुत ब्यूटीफुल है, प्लेजेंट वाली, एकदम हार्मनी वाली, ठीक है। वहीं कुछ लोग जो ईगोइस्टिक हैं उनकी ईगो शटर होने वाली है और एक्शन इस टाइम पर रहेगा क्योंकि फुल मून इन सेजिटेरियस है, तो बहुत से जो मैस्कुलाइन है एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे, फास्ट कटिंग करेंगे अपनी लाइफ से कार्मिक्स को, जहाँ पर जगल कर रहे हैं, स्टक हैं, वो निकल जाएंगे सिचुएशन से, एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे। और यही हमारी फेमिनाइंस को भी मैं देख रही हूँ, बहुत ज़रा अपनी पर्सनल लाइफ में ग्रो कर रही हैं, जो ड्रीम्स हैं उनके, जो उनका गोल्स हैं उनको अचीव करने पर लगी हुई हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है इस बार फुल मून की। आई होप गाइस आप इस एनर्जी को फील कर पा रहे हो और कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।